हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हजारों किसानों की 366 हेक्टेयर भूमि आवाप्त के लिए गजट जारी होने के बाद किसानों की नींद उड़ी। जालौर में एक बार फिर किसान अपना दर्द लेकर पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट के दरवाजे। जिले के लगातार किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब दर्जनों गांवों के किसानों की 366 हेक्टेयर भूमि आवाप्त करने का गजट जारी होने से किसानों के सीने में पत्थर जैसा लग रहा है। जिले में पिछले 2 सालों से बाढ़ के बाद अब बारिश नहीं होने के चलते अब सूखा पड़ता दिखाई दे रहा है। जिले में विकास की गंगा बहने बहाने वाली सरकार के सामने किसान संकट पैदा कर सकती हैं। नेशनल हाईवे बनने के लिए किसानों की 366 हेक्टेयर भूमि को आवाप्त करने पर कई किसानों के घर बेघर हो रहे हैं। किसानों ने जिला कलेक्टर के दरवाजे पर उचित मुआवजा और एक किसान के बेटे को नौकरी देने की मांग की है। अंतर्गत जो रोड बन रहा है हमारे सायला तहसील के अंदर कई आवास से दादाल तक का, उसके अंदर कई लोग भूमिहीन हो रहे हैं और कईयों के जमीन है तो एक एक खेत के 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो उसके अंदर मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांग है, मुआवजा ज़्यादा हमारे को दिया जाए। कई खेत है उनके अंदर अनार है वगैरह है, बगीचे खड़े हैं आज भी, तो उसका मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ये हमारी वाजिब मांग है। कुछ भी हो जाएगा, हमें मतलब जमीन पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हमारी जमीन मतलब कोड़ियों के भाव मतलब सरकार को हम लोग नहीं देंगे। कुछ भी हो जाएगा, सीधी बात है, हम लोग किसान हैं, हम बेघर हो रहे हैं, हमारी मतलब पूरी भूमि जा रही है, भूमिहीन हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में कोई साधन नहीं है, हम किसान हैं, किसान खेती करते, हमारे बाप दादा खेती करते थे, हम भी खेती करते हैं, इसके अलावा हमारे पास जीने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।